नायगांव स्टेशन से चल चल के मैं यहाँ पहुँचा, और ये आगे जो है एग्जिट है, रिक्शा स्टैंड है, और ये यहाँ से आपको प्रॉपर दिखेगा कि ये जो इकलौता रास्ता है, यही इकलौता रास्ता नायगांव स्टेशन को जाता है, और ईस्ट की तरफ आने वाले लोगों को सिर्फ इसी रास्ते का इस्तेमाल करके आना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के दोनों साइड मैंग्रोव है, यानी झाड़ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वही झाड़ होंगे पहले, जब उसको हटा करके ये एक रास्ता बनाया गया है। तो इसकी जगह पे अगर आप सोचिए कि वो ब्रिज, अगर मैं दिखाऊँ वो ब्रिज, देखिए वो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, जो सड़क बना हुआ है, वो मैंग्रोव के ऊपर बना हुआ है। अगर उसी तकनीक से, चूंकि उनको नीचे से उतर के इस हाइट तक आना पड़ता है और इस हाइट से ही वापस जाना पड़ता है, तो अगर उसी तकनीक से पाइलिंग करके एक नहीं, दो नहीं, तीन निकासी बनाया जा सकता है या नहीं, ये सोचने वाला सवाल है। ये पूरे नायगांव वासियों के लिए एक क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ मैं। नायगांव स्टेशन के पास मैंग्रोव के ऊपर से एक ब्रिज बनाया जा सकता है, तो यहाँ से स्टेशन जाने के लिए ओवर ब्रिज बिना मैंग्रोव को नुकसान किए क्यों नहीं बनाया जा सकता है, ये एक सवाल खड़ा किया है हमने। अपना जवाब हमें जरूर दे। नायगांव में आज से 10-15 साल पहले ये जो आप एक छोटा सा ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज था जिससे लोग आया जाया करते थे, और इसके बाद ये, और आज 10 साल का वक्त जो हो गया, ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त के जो डेवलपर्स थे उनसे आपस में कुछ बातें हुई थी, बिल्डर की, शासन प्रशासन की, कि वो इस ब्रिज को बना करके देंगे, उसके बदले उनका कुछ अपना बेनिफिट हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैंग्रोव के दो झाड़ कटने थे और उस झाड़ को ना कटने देने की वजह से 10 से 15 साल हो गए लोग इसी तरह से परेशान रहे। और अगर मैं ये दिखाऊं तो अभी ऐसा बताया जा रहा है पी के डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे एक ब्रिज बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है ये धस गया है, और धसने की वजह से इसको रोक दिया गया। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर पाइलिंग की जाती, यहाँ पे पाइलिंग करके यहाँ से ऐसा एक ओवर ब्रिज बनाया जाता, तो ये इश्यूज नहीं आता, और ये ही बंद पड़ा है, तो ये एक और समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि नायगांव में बहुत सारे बिल्डर आए, पहले से आए, और हर बिल्डर ने कोशिश किया कि चूंकि अगर नायगांव में उनको डेवलप करना है तो पब्लिक के लिए आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए, आने जाने की सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन आने जाने की सुविधा नहीं। वो एक छोटा सा ब्रिज जो आप देख रहे हैं, पहले लोग उसी ब्रिज से आया जाया करते थे, और उसके बाद अब इससे आते जाते हैं, और इसमें ही ऐसा बताया जा रहा है कि इसको बनने में 10 से 15 साल लग गए, क्योंकि परमिशन नहीं मिलता। तो अब अगर एक स्टेशन है और स्टेशन से बाहर जाना है तो उसके लिए परमिशन तो मिलना है। अब अगर मैं उस रोड की बात करूँ, उस ब्रिज की बात करूँ, तो वो ब्रिज भी आप देख रहे हो कि मैंग्रोव के ऊपर से गया हुआ है। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर मैंग्रोव के ऊपर से गया हुआ है, तो क्या मैंग्रोव के ऊपर से इसी तरह से पाइलिंग करके स्टेशन के लिए, नायगांव ईस्ट आने के लिए एग्जिट नहीं बनाया जा सकता? तो ऑल द वे हम वहाँ से चले थे, और चलते चलते नायगांव रिक्शा स्टैंड तक पहुँचने में हमें कितना वक्त लग गया आप समझ रहे हैं। मैं बताऊँगा दिखने के लिए वो साइड का विजुअल, क्या आप देखिए कि नायगांव स्टेशन से रिक्शा स्टैंड तक पहुँचने में जितना वक्त हमें लगा, उतना ही वक्त हर किसी को लगता होगा, और ये किसी को झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये है नायगांव, इसलिए लोगों की डिमांड है कि नायगांव
ईस्ट के लिए, नायगांव ईस्ट आने के लिए और एग्जिट बनने चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।